प्रेम के वशर गोपियन नाच न चाई है ना ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई गोपियों ने नृत्य करने को बोला कृष्ण भगवान नृत्य करने लग गए हम कल्पना कर सकते हैं कि रामजी नृत्य कर रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए हमारे मन में ही वो विचार फ्रेम में नहीं एडजस्ट होता है ना भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पति ड्राइवर आगे के सीट पे कार चलाएं और पीछे कोई एक बैठ जाए तो चलेगा क्या आपको नहीं बिकॉज देन इट वुड बी ड्रिवन कार नो वन वुड नॉट बी लाइक लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे बैठ के ड्राइविंग का काम किया और अर्जुन पीछे बैठते थे लेकिन क्या हम राम जी को कभी सोच भी सकते हैं क्या कि राम जी चला रहे हैं और पीछे कोई बैठा हुआ है वो खुद ही बैठने को रावण खुद तैयार नहीं होगा ऐसा करने को तो राम और कृष्ण इन दोनों के अलग अलग स्वभाव है टारगेट उनका, उनका एक ही है धर्म की रक्षा इसलिए राम ये प्रोटोकॉल के साथ हैं कृष्ण विदाउट प्रोटोकॉल है कृष्ण की खासियत क्या है फिर जब राम की ये खासियत है कि श्रेष्ठ जीवन मानवीय जीवन कैसा होगा राम है तो कृष्ण हैं जो मैं पिछले जन्माष्टमी पे भी कह चुका हूँ कि जिसके साथ जब हैं तब शत प्रतिशत हैं माँ के साथ हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं भारत में आज भी अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले अपने घर के अंदर अगर कोई चित्र लगाती है तो बाल गोपाल का लगाती है लेकिन आइडियल मनुष्य माना है हमने राम जी को है ना मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम हुए और हम लेकिन फोटो लगाते हैं इनका? का, कि कि इनका कृष्ण कृष्ण का मेरे घर पे जैसा नटखट आए तो कृष्ण की बात क्या थी प्रोटोकॉल नहीं था माँ है माँ के साथ हैं तो वो बाकायदा माँ पकड़ती थी तूने माखन खाया तो रो देते थे यानी बिल्कुल बच्चों जैसा लेकिन जब मैं फिर कहूंगा ढाई करोड़ सेना अगर आस खड़ी हो विद बेस्ट ऑफ द वेपनरीज ऑफ दैट टाइम अमेजिंग पीपल मतलब न चाहे तो मरे ना ऐसे भीष्म पितामह थे द्रोणाचार्य परशुराम ने जिन्हें धनुर्विद्या सिखाई ऐसे द्रोणाचार्य थे ऐसे जबरदस्त योद्धाओं के बीच में खड़े होकर ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग का ऐसा ज्ञान निशृत किया अपनी अपनी वाणी से कि जैसा अटल जी ने जैसे कहा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कि कौन दार्शनिक दे पाया अब तक ऐसा जीवन दर्शन ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर आए मैंने इतना पढ़ाया स्टूडेंट्स को वो भी भगवान श्री कृष्ण ने उसमें बोला हुआ है भगवत गीता में मत्त परतरम नान्य किंचितिथि धनंजय मई सर्व प्रोत्तम सूत्र तो भगवान श्री कृष्ण जब वक्त पड़ता है तो बच्चे हैं जब वक्त पड़ता है तो सखा हैं वो वक्त पड़ता है तो समाज सुधारक हैं कि नहीं ये इंद्र की पूजा मत करो गोवर्धन की पूजा करो उस पर्वत की जो हमारे गौओं को घास चरने को देता है और जिसके चरने के कारण हमारी जो गौएं हैं वो दुग्ध देती है और दुग्ध के कारण हमारा पालन पोषण हो रहा है तो समाज सुधारक भी है तो भगवान श्री कृष्ण कई सारे जिसको हम कह सकते हैं कि उन्हें समझना या भगवान राम को भी समझना यह हमारे लिए सही नहीं है हम हमारी न योग्यता है न अधिकार खिड़की से देखने पर आसमान जितना दिखता है उतना आसमान होता नहीं है उतना हमें दिखाई देता है हम कोई गंगा हम कोई हरिद्वार जाते हैं तो बोलते हैं गंगा जी लेके आना तो गंगा जी लाता नहीं है वो वो एक लोटे में गंगा जी लेके आता है लेकिन हमारे लिए वही गंगा जी हो जाती है तो हमारी साधारण बुद्धि इतना ही समझ पाती है राम जी को और कृष्ण भगवान को इसीलिए दोनों का एक साथ होना प्राकृतिक दृष्टि से भी संभव नहीं है भगवान से अगर मांगना ही हो तो यह मांगना चाहिए कि भगवान बाल्यकाल कृष्ण जैसा देना और बड़ा होने के बाद में भगवान राम जैसा देना अपनी हैप्पी पॉजिटिव और मैराक्युलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप